मैम कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हो सकता है आपको पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है और मेरा जो छोटा सा बेबी है वो सो रहा है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक नया स्टाइल साड़ी का जो है नया स्टाइल लेके आती हूँ। और मुझे साड़ी पहनना पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर दिन अलग अलग तरीके से साड़ी पहनती हूँ और सोचती हूँ चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ धोती स्टाइल साड़ी। जी हाँ, जो कि हमारे इधर पंडित लोग जो होते हैं ना, वो हर फंक्शन में उसी तरीके की धोती पहनते हैं। जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन है तो हमारे घर का जो गार्जियन होगा, जैसे मेरे हस्बैंड होंगे, वो भी अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है तो वो भी उसी तरीके की धोती पहनते हैं। और सिर्फ अंतर इतना है, हम पल्लू रखते हैं, वो लोग पल्लू नहीं रखते हैं। और इसको गरबा, नवरात्रि गरबा आउटफिट के रूप में भी लोग पहनते हैं। और बहुत ही अच्छा स्टाइल है, मैंने खुद पहना है, मुझे अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है। मैं ज़रूर आगे किसी फंक्शन में पहन के भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए फिर आप वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें, न्यू तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए फिर देखिए वीडियो, बाय बाय। तो साड़ी पहनने के बाद कुछ इस तरीके का लुक क्रिएट होगा, तो बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत ही कंफर्टेबल जो ये लुक लगा है और मुझे बहुत पसंद आया है। आप इस तरीके से किसी फंक्शन में जा सकते हो, ये देख सकते हो, मैंने पर्स रख के भी दिखाया है आपको। तो किसी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में आप इस तरीके से लुक क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले साड़ी पहनने से पहले ही हम साड़ी का जो पल्लू है वो बना लेंगे अच्छे से। इसमें जो मतलब प्लेटें बनती हैं, वो प्लेटें हम बना के इस पर पिन करके रख देंगे, ताकि वो हमें मतलब एक अंदाज़ा सा आ जाए कि हमें कितनी साड़ी को ड्रॉप करना है। और मैंने इसके साथ रेड कलर का ब्लाउज़ लिया है, येलो कलर की साड़ी के साथ, और येलो कलर की मैंने लेगिंग ली है, वो भी नाड़ा वाली लेगिंग, जो कि इसमें साड़ी, वैसे तो मैं इस पर गांठ लगाऊंगी, लेकिन है ना, आप चाहो तो पहन भी सकते हो। जब आपको कभी इस तरीके का लुक क्रिएट करना है, तो आप, अगर आपकी साड़ी बिल्कुल डार्क है, हैवी है, तो आप लेगिंग ना भी कैरी करो, आप चलता है। बट मेरी साड़ी थोड़ी हल्की सी है, मैंने इसके साथ इसी कलर का लेगिंग लिया, क्योंकि डिफरेंट लेती तो दिख जाता और गंदा सा लगता, वैसे दिखता नहीं है बट है ना। और ये मैंने यहाँ पे पिन लगा दिया है। अब मैं इसको 1.5 मीटर से थोड़ा सा कम साड़ी का हिस्सा मैं एक साइड लूँगी और दूसरा जो पल्लू के साइड का, और बीच में सेंटर में ये मैंने बांध लिया है। तो आपको इसी तरीके से देख के लगाना है। तो जो साड़ी का लास्ट वाला छोर होता है ना, ये देखो, ये साइड का, तो यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर करीब का छोड़ के फिर गांठ लगाई है टाइट करके। और ये देख रहे हो आप, अंदर की तरफ से लेके जाना है साड़ी को, और साड़ी को इसी तरीके से इस पर प्लेट्स निकालनी है, चुन्नट निकालना है, ये देख सकते हो आप, और इसको इस तरीके से पीछे लगाना है। देख रहे हो आप कैसे करके लगाना, आपको उल्टा करके नहीं लगाना है। अगर आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और इस तरीके से आपको अच्छे से ड्रॉप करना है, जितनी आपकी हाइट है, और फिर उसके नीचे का हिस्सा लेके, ये देख रहे हो आप, मैं अभी दिखाऊंगी आपको ढंग से कि नीचे का हिस्सा लेके, ये देख रहे हो ये नीचे था, और इसका नीचे वाला छोर पकड़ के लाना है। और यहाँ पर जो इस तरफ से हैं, इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स निकालनी है, और अपने हाइट के हिसाब से आगे फ्रंट में टक करना है, अपने नाभि के वहाँ पे टक करना है इसको। बहुत सारे लोगों की हाइट काफ़ी लंबी होती है, तो जितने हमने ये प्लेट्स निकाली हैं वो सिर्फ छोर का ही जाता है, लेकिन मेरी हाइट बहुत कम है, तो आप देख सकते हो काफ़ी टक करना पड़ गया था मुझे। तो ये देख सकते हो, जो भी आप इधर से तो हल्का फुल्का जो निकला होगा, आपको उनको सेट करना है अच्छे से। और एक साइड बिल्कुल अच्छे से ड्रैप हो चुका है, अब दूसरी साइड हम इसी तरीके से करेंगे। साड़ी को अंदर की तरफ से लेके जाना है, और फिर यहाँ से फिर चुन्नट निकालनी है, प्लेट्स निकालनी है साइड से। आप देख सकते हो नीचे आपको दिख रहा होगा, जो पल्लू वाला है उस पर पिन लगी हुई है, तो हमको इतना लेना है यहाँ से। हम आप
अपने सहूलियत के हिसाब से प्लेट्स निकाल सकते हो। कि कोई उधर के हाथ से निकालता है, मतलब बाएं से, कोई दाहिने से, तो आप जिससे कंफर्टेबल हो उससे आप निकाल सकते हो। और पीछे हमने उसको भी उसी तरीके से टक किया है। अब हम पल्लू को अच्छे से सेट करेंगे। तो मैं यही देख रही थी, नीचे से हल्का सा फोल्ड हो जा रहा था ना, तो मैं उसी को अच्छे से सेट कर रही थी। और ये देख सकते हो, पिन मैं हटा दूंगी और जितना भी इधर से लूज जो पड़ा हुआ है उसको मैं पूरा अच्छे से ऊपर टाइट कर दूंगी। मतलब इतना कर दूंगी कि कंफर्टेबल लगे आपको। एकदम से टाइट भी नहीं करना है कि पूरा वो पैर से सपेट, मतलब चपट करके नहीं लेके जाना है, क्योंकि अगर आप पैर पे चिपका दोगे तो पूरा जो अंदर वाला साड़ी का जो बना हुआ है वो पूरा ऊपर खिसक जाएगा। तो आपको इतना लेना है कि वो ऊपर भी ना खिसके और आपका पल्लू कंफर्टेबल रहे। और प्लेट्स बनाने बहुत इजी है, बहुत सारे लोगों को प्लेट बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आपको ऊपर से प्लेट बनानी है। कई लोग मैंने देखा है 20 से प्लेट बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कुछ प्लेट्स छूट जाती है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ऊपर से प्लेट बनानी है, उसके बाद आपको अपने हिसाब से चौड़ी पतली जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा आप बना सकते हो। तो मैं थोड़ी हल्की सी मोटी हूँ, तो मैं थोड़ी चौड़ी प्लेट्स बनाऊँगी। और जो पतले लोग रहते हैं, आप देखा होगा वो बहुत पतली सी प्लेट्स बनाते हैं, मतलब साड़ी को बिल्कुल पतला कर देते हैं, लेकिन मेरे को ठीक नहीं लगता। थोड़ा पेट भी है तो हल्का सा है ना, उसको कवर अप करने के लिए हल्की चौड़ी प्लेट मैं बनाती हूँ। और ये मैं पिन लगा दूँगी पीछे। और आप इसकी जगह कोई हैवी साड़ी भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो जब मैंने ये पल्लू लगाया था तो देख रहे हो आप, ये सिमट के ऊपर जा रहा है, क्योंकि साड़ियों पे जो फॉल लगा रहता है वो अकड़ जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, वो पूरी साड़ी को फोल्ड कर देता है। तो पल्लू ऊपर सेट हो चुका है, एक पिन मैं यहाँ पे लगाऊंगी और बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता है इस तरीके से यहाँ पे पिनअप करके। तो मैंने ये यहाँ पे पिनअप कर दिया है। और अब आपको कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा कि कोई प्लेट्स निकल रही है, क्या हो रही है। और इसमें मैं ये लगाऊंगी ये कमर बंद, जो कि बहुत ही पतला सा है, डायमंड इसमें स्टोन जो हैं वो लगे हुए हैं, तो इसको मैं कमर बंद को लगाऊंगी। पीछे से जो ये हमारी पल्लू है उसको भी मैं इसी के अंदर से लूँगी। और जो चाहे कोई पतली हो चाहे मोटी लड़कियाँ हो, सब पे ये लुक बहुत ही अच्छा जाएगा और बिल्कुल मतलब लगेगा ही नहीं साड़ी पहना। मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल ये साड़ी पहनने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल लगा, और ऐसा लगा मैंने कुछ पहना ही नहीं है। सच्ची कहूँ मैं, अदरवाइज साड़ी में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि यहाँ से साड़ी खिसक रही है, वहाँ से साड़ी खिसक रही है, लेकिन इस तरीके से कमर बंद लगा के बहुत ही अच्छा सा कंफर्टेबल हुआ। और इसमें मैंने गोल्डन कलर की हील्स यानी जूतियाँ पहनी हुई हैं गोल्डन कलर की। तो मैं आपको आगे पीछे पूरा अपना लुक दिखा रही थी। और जो अनमैरिड है अगर वो इसको पहनती हैं, मैरिड का ये होता हमारे गढ़वाल में तो सर में रखने का होता है, लेकिन जब मायके वगैरह में अगर कोई फंक्शन है तब पहन सकते हैं हम लोग, लेकिन ससुराल में ये होता कि पल्लू रखना पड़ता है। लेकिन अनमैरिड जो हैं वो अगर किसी फंक्शन में इस तरीके से पहन के जाएंगे तो सोने पे सुहागा लगोगी। सच बोल रही हूँ मैं, बहुत ही कंफर्टेबल लुक है ये।